हम बनाएंगे पाई की रेसिपी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। इन्हें बनाने के लिए आप पहले इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। इस तरीके से इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसमें पानी डालकर उबाल लेंगे। अब ये पाए उबल चुके हैं, मुझे इसमें से सिर्फ दो बनाने हैं, मैंने उतने ही लिए हैं। अब इसमें हम लेंगे 7 मीडियम साइज के प्याज, 1 टमाटर, लहसुन, अदरक, नमक, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। गरम मसाले में हम लेंगे जीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और तेज़पत्ता। पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। और ये मैं पेस्ट बना चुकी हूँ और एक प्याज को मैंने बारीक काटा है। कुकर में तेल डालकर इसको कढ़ाएंगे। अब इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। और ये हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। प्याज टमाटर का भी पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1.5 स्पून चिली पाउडर, 3 स्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मसाले को भूनेंगे। अब ये मैंने पाव को पानी से अलग कर लिया है, इस पानी को फेंकना नहीं है क्योंकि हम इसको सालन में डालेंगे। बड़ी नलियों को मैंने खाली कर लिया है। अब इन पाव को हम कुकर में डाल देंगे। अब इसको चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। जिस पानी से हमने पाव को अलग किया था अब इसमें वही पानी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद लीड लगा देंगे, 5-6 सीटी आने तक पकाएंगे। थोड़ी देर बाद कुकर खोलेंगे। ये बहुत अच्छा बना है और अब हम इसको हरे धनिए से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरे पाए की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।